हल्द्वानी में आज भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा करने के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा द्वारा इस कोरोना काल में प्रवासियों के हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की योजना में सरकार के द्वारा बाहर से पहुंच रहे प्रवासियों को राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसके उपलब्ध में स्थान स्थान पर प्रेस वार्ता के जरिए उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसके लिए दो म्यूचुअल मीटिंग है जिनमें राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, मोर्चों की भी है और शेष कार्यक्रम है वो है हमारा संकल्प पत्र। जो संकल्प पत्र हमने हर घर तक ऐसे बांटना है जैसे लोग निमंत्रण पत्र बांटते, अपने आपसी दूरी को भी बनाए रखने के लिए ये तय किया है। हमने सभी जिला अध्यक्षों को कहा है, मंडल अध्यक्ष और अपने शक्ति केंद्र के संयोजक हैं उनके माध्यम से अपने बूथ अध्यक्ष को ठीक से प्रकार से समझा दें। बूथ अध्यक्ष अपने बूथ में, हमारे बूथ में 21 की कमेटी होती है, कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे, उनमें से दो दो डिप्टी बने जिसका चुनाव में हम पन्ना प्रमुख बनाते थे, ऐसे ही 25-25 लोगों का परिवार एक टीम को सौंपेंगे। तीन चार टीमें होंगी और टीमें हमारा जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को परिवार को जाकर बांटेंगे। कार्यक्रम मूल रूप से ये है कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक वर्ष के अंदर किए गए काम और उत्तराखंड को दी गई सौगातों को इस प्रदेश के आम जन तक पहुंचाएं। इसके लिए हमने हर बूथ पर टीमें बनाने का निश्चय किया है, दो दो की टीम बनेगी, एक बूथ में 5-6 टीमें बनेंगी, वो टीमें 25-25-30-30 घर का चयन करेंगी, हर टीम 25 घरों में कम से कम जाएगी। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों तक संपर्क करने का हमारा लक्ष्य है, लोगों को ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया। इस देश के अंदर 370 धारा 35A एक मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कोड़ की तरह था, आतंकवाद अलगाववाद का जो दृश्य इस देश को देखने को मिलता था उसके कारण मिलता था, उसको हटाने के लिए जब मोदी जी ने विचार बनाया तो हमारे विपक्ष के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, कोई हटा के देख ले देश में खून खच्चर हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। इतने आराम से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, पत्ता भी देश के अंदर नहीं ला, इसको कहते हैं देश चलाना। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बने, आज़ादी से पूर्व से ये बातें चल रही थी, आज़ादी के बाद भी बहुत संस्थाओं ने इस बात को कहा, बीच में एक बार इस पर कुछ कार्रवाई हुई लेकिन फिर ये ठप हो गया मामला। इस मामले का निर्णय हालांकि माननीय न्यायालय ने किया है लेकिन न्यायालय में अपना पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मजबूती के साथ रखा, उनके रखने की वजह से ये निर्णय हुआ, ये भी उपलब्धि उनके नाम जाती है। इस देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक का मामला था, तलाक तलाक तलाक, तो एक महिला का जीवन खराब, कानून बनाकर उसको बंद कर दिया। इस देश के अंदर बिजली पानी और नल ये बहुत आवश्यक कार्य थे, हर घर को नल हर घर को पानी ये नई योजना इस वर्ष लॉन्च की है,
पहले इससे पहले हर घर को बिजली, हर घर को गैस, ये काम वो कर चुके हैं। अन्य बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने की हैं। अपने प्रदेश को भी उन्होंने जो दिया है 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड, ये एक सोच भी नहीं किसी जा सकती थी यहाँ तक। अब हमारे चार धाम यात्री बहुत सुविधापूर्वक उसमें जा सकेंगे। स्थान स्थान पर उनके ठहरने के होटल और पेट्रोल पंप इत्यादि भी होंगे। 16,000 करोड़ की लागत से चार धाम रेल यात्रा का कार्य जो प्रारंभ हो चुका है। 2021 तक हरिद्वार कुंभ के लिए करोड़ों रुपए का निर्माण। भारत माता प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ से बनने वाली सड़कें, रुड़की देवबंद रेल मार्ग, टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग, इतना तो बहुत है, ये तो काम इतने कर रखे हैं। ये वर्ष हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम काल होगा, ऐतिहासिक वर्ष होगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अंत में कोरोना जो आया, इसने बहुत बड़ा दिक्कत पूरे विश्व को भी किया और भारत को भी किया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने एकदम लगाम लगाकर इसको रखा। पूरे विश्व ने इस बात को माना कि इस मामले में भी नरेंद्र मोदी जी ने बाजी मारी है, वो प्रथम नंबर पर रहे। कोरोना, जहां अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा भूभाग हमसे 6 गुना ज़्यादा और आबादी हमसे 1/4, लाखों की संख्या में लोग मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि के कारण ये हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में हो गया, ये भी एक उपलब्धियों में। सतपाल महाराज जी पर क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग कर रहा है विपक्ष, चाहे दूसरे लोग की मुकदमा दर्ज करना चाहिए, आज उनकी वजह से पूरी कैबिनेट को कहीं ना कहीं क्वारंटाइन होना पड़ा है। देखिए, विपक्ष में चाहे वो हो या हम, विपक्ष के काम जो होता है उसका वो अभिनय ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मुकदमा जैसी बात नहीं है। हमको नहीं पता हमको हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, क्या पता कल हमको हो जाए तो हम तो 500 जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपराधी हो गए, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ही सतपाल महाराज के यहाँ कौन आया, उसको क्या था, उनको पता नहीं था, तो ये तो बाद में जानकारी आई। उसमें कोई उनके घर जो लोग आए थे उन्हें भी होम क्वारंटीन किया गया था, और लेकिन उनके घर पर जो लोग आए थे उनके माथे पर नहीं लिखा था कि इनको कोरोना है, तो उनको पता नहीं था, वो आ गए, तो अब इसके कारण से उनको इस तरह से कहना ये तो गलत है। तो बाकी लोगों पे जो कार्रवाई हो रही है क्वारंटीन नियमों को उल्लंघन नहीं, जो जानबूझकर मैं जान रहा हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है, या मैं कहीं किसी सेंटर पर हूँ वहाँ से भाग जा रहा हूँ, या किसी के साथ अभद्रता कर रहा हूँ, तो उनके लिए कार्रवाई।